दिल्ली की सड़कों पर नहीं है बेटियां सुरक्षित, बाल बाल बची महिला आयोग की अध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं द थिंग। आपको बता दें कि हाल ही में महिला आयोग की अध्यक्ष इन्होंने एक जायजा और मुआयना लेने के लिए दिल्ली की सड़कों पर आती है और वो देखना चाहती है किस प्रकार दिल्ली की जो सरकार है बड़ी बड़ी बातें कहने पर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखती कि दिल्ली के अंदर में महिलाएं कितनी ज्यादा सुरक्षित है। और इन तमाम बातों का मुआयना करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए जब वो दिल्ली की सड़कों पर आ जाती है एम्स के बस स्टॉप के सामने में, और जब वो खड़ी होती है रात के कई देर रात तक के, उसके बाद में कई गाड़ियां वहां से गुजरती है, कई गाड़ियां गुजरने के बाद में कुछ गाड़ियां उनके सामने में रुकती है और एक गाड़ी आकर उनके समीप आकर रुक जाती है और वहां पर उनको एक मिलता है शख्स। वो शख्स एक नशे के धुत हालत के अंदर में होता है, कार के अंदर में लगातार महिला आयोग के अध्यक्ष को बुलाता है, उसके बाद में उनके बार बार मना करने के बाद में वहां से वो चला जाता है। उसके बाद में फिर वो 10 मिनट के बाद उसी जगह पर फिर लौटता है, उसके बाद में फिर से वह कोशिश करता है कि महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल वो फिर से उनके गाड़ी में बैठ जाए, लेकिन फिर से उनके बार बार मना करने के बाद में जब वो उनको उस शराबी को पकड़ने की कोशिश करती है, उस आरोपी को पकड़ने की कोशिश करती है, उसके बाद में वो जो गाड़ी के शीशे है वो ऊपर कर लेता है और महिला आयोग के अध्यक्ष के हाथ उस कांच में फंस जाते हैं, उस खिड़की में फंस जाते हैं। उसके बाद में तकरीबन 10 से 15 मीटर तक के उसी हालत में वो खींचता है और उसके बाद में बड़े मुश्किल से महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ये बाल बाल बच जाती है। और उसके बाद में पुलिस को फोन कर पुलिस को संपर्क में लाने के बाद में वहां पर पुलिस घटनाक्रम के इस जगह पर पहुंचती है। आप समझ रहे हैं, सोच रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर स्वाति मालीवाल महिला आयोग की अध्यक्ष दिल्ली इनका क्या कहना है, ये वीडियो से आप पहले देख लीजिए, इसके बाद में इस पूरे मामले को लेकर चर्चा करते हैं। मैं कल रात दिल्ली की सड़कों पर इंस्पेक्शन करने निकली थी क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं महिला सुरक्षा को लेकर, क्या सच में कुछ बदलाव हुआ है दिल्ली में अंजलि के इंसिडेंट के बाद। तो मैं अकेली खड़ी थी एम्स बस स्टॉप के ऑपोजिट साइड पे खड़ी थी और मैंने देखा कि एक एक करके गाड़ियां रुकने लग गईं, ट्रक्स रुकने लग गए और एक गाड़ी आकर जो व्हाइट बलेनो गाड़ी थी वो बिल्कुल आकर मेरे साथ खड़ी हो गई और उसमें जो आदमी बैठा हुआ था वो नशे में धुत था और वो बार 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 मुझे पूछने लगा, मुझे पेस्टर करने लगा कि मैं उसकी गाड़ी में बैठूं और वो मुझे छोड़ देगा। जब मैंने उसको मना करा तो उसने काफी बार मुझे बोला और फिर गुस्से में वो चला गया, लेकिन 10 मिनट के बाद वो फिर वहां पहुंचा और मैंने उसको फिर पहचाना और फिर मैंने उसको फिर बोला कि मेरे को आपके साथ नहीं जाना और वो मुझे फोर्स करता रहा और इसके बाद उसने गंदे गंदे जेस्चर्स करने शुरू करे, बड़ी गंदी हरकतें करनी शुरू करी, जिसपे जब मैंने उसे पकड़ने की कोशिश करी तो तुरंत उसने विंडो ऊपर कर दी और मेरा हाथ गाड़ी के अंदर अटक गया और उसने एक्सेलरेटर पे बहुत जोर से पैर डाला जिससे कि गाड़ी एकदम भागी और मैं उसके साथ लटक गई और 10-15 मीटर तक वो मुझे घसीट कर लेकर गया। फिर एक आदमी मेरी टीम का ही वहां पे कूदा और उसने भी चिल्लाया, मैंने भी चिल्लाया, तब जाके उसने मुझे छोड़ा। अगर वो मुझे उस वक्त नहीं छोड़ता तो मैं भी अंजलि के तरह मेरे साथ भी कल बहुत बड़ी कोई घटना घटती अंजलि के साथ। ये देखिए कि क्या हाल है दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के लिए। ये महिला सुरक्षा है कि दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष तक सुरक्षित नहीं है? तो हम दिल्ली महिला आयोग हैं, हम ग्राउंड पे काम करते हैं और हमें ये नहीं लगता कि एसी ऑफिस से महिला आयोग चलता है। हम दिन में भी काम करते हैं, हम रात में भी काम करते हैं, हम फील्ड पे भी काम करते हैं और जिन लोगों को ये लगता है कि इनसे मैं डर जाऊंगी तो इन चीजों से मैं बिल्कुल डरने वाली नहीं हूँ। मेरे को धमकियां मिली है, रेप की डेथ थ्रेट्स मिले हैं, अटैक हुआ है मेरे ऊपर, फिर भी हम लोग बिना किसी सिक्योरिटी के अकेले लड़ते रहते हैं और लड़ते रहेंगे और भगवान ने कल मुझे बचाया है और भगवान ही आगे बचाया है। मैम क्या किसी पर शक है क्योंकि इस तरह की घटना पहले भी चुकी है, नोएडा की बात करें दिल्ली के, नोएडा में भी बेटी के साथ ऐसा ही हुआ, कार ने टक्कर मारी और दिल्ली में भी हुआ, कल आपके साथ ये घटना, किसी पर शक है या जानबूझकर कराया जा रहा है? सर
दिल्ली पुलिस ने एक आदमी को अरेस्ट करा है, उसको मेरे को आइडेंटिफाई करवाया गया है, मैंने उसे आइडेंटिफाई कराया और जब मैंने उससे पूछा कि तुमने पी रखी थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उससे बदबू आ रही थी दारू की, और जब मैंने पूछा तो उसने माना कि हाँ उसने पी रखी थी, और इनफैक्ट उसकी गाड़ी में भी बाद में मैंने देखा उसकी गाड़ी में दारू पड़ी थी, उसकी गाड़ी में ग्लासेस पड़े थे। तो मुझे समझ नहीं आता कि एक तरफ तो इतने बड़े बड़े वादे करे जाते हैं कि दिल्ली में पूरी तरीके से सुरक्षा अब है, और एक तरफ ये हाल है कि मतलब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है, और कोई भी लड़की अगर सड़क पे खड़ी है अकेले तो उसको इस तरीके का हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है, और कोई लड़की बच जाती है और कोई लड़की अंजलि बन जाती है। जैसा कि साफ तौर पर आपने वीडियो में देखा, पूरी दास्ता महिला आयोग के अध्यक्ष दिल्ली इनके माध्यम से जिस प्रकार स्वाति मालीवाल ने बताया कि किस प्रकार उनको 10 से 15 मीटर तक के खींचा गया, शराबी किस तरीके से उनको जबरदस्ती कर रहा था, ये तमाम तरीके की घटना ये साबित कर देती है कि किस प्रकार दिल्ली के अंदर में महिलाएं असुरक्षित है, लगातार उनके साथ में छेड़छाड़ की घटनाएं हो जाती है। जो तमाम तरह के निर्भया जैसे कांड इस दिल्ली के अंदर में हुए इसीलिए हुए है कि जो शासन प्रशासन का जो दबदबा है वो अब भी उस प्रकार बनाया हुआ नहीं है जैसा होना चाहिए, और इसीलिए ये तमाम तरीके की घटनाएं लगातार हो रही है। केंद्र के अंदर में जो पुलिस है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होती है, स्टेट के अंदर पुलिस दिल्ली सरकार के हाथ में होती है, तमाम तरीके की चीजें कोऑर्डिनेशन बनाकर अगर ये चाहे इनकी मंशा अगर हो तो सही मायने में ये तमाम तरीके कानून के माध्यम से कानून का राज अगर ला दिया जाए तो महिलाओं की सुरक्षा ये होना संभव हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार हालात दिल्ली के अंदर बने हुए ये साबित हो जाता है, ये तमाम जो गुंडा मानसिकता के लोग है, ये तमाम जो लोग लगातार इस प्रकार की छेड़छाड़ की घटनाएं कर रहे हैं, इनका जज्बा किस तरीके से बढ़ रहा है। दिल्ली के महिला आयोग अध्यक्ष इनके साथ में जो ये घटना हुई है, घटना से आप साफ तौर पर समझ पाएंगे कि किस तरीके से इस दिल्ली के अंदर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर सवाल बने हुए है। और इसी प्रकार दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कुश्ती के खिलाड़ी है, तमाम ओलंपिक के महिला खिलाड़ी है, इन्होंने जो कुश्ती के जो अध्यक्ष है, कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के ऊपर में जो यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं, इन तमाम आरोपों को संज्ञान में लेकर स्वाति मालीवाल महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो जंतर मंतर पर जाती है, तमाम इन महिला खिलाड़ियों के साथ में बातचीत करती है, उनके सहानुभूति देने की कोशिश करती है, और इसी के साथ साथ उनका यह बयान होता है कि मैं जितनी लड़ाई मुझसे हो सके मैं आपके साथ में लड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आप भारत का गौरव है, भारत का गौरव इस तरीके से अगर सड़कों पर आकर अपने न्याय की गुहार करेगा तो देश के लिए शर्म की बात है। और इस घटना को होने के बाद में, इस पूरी वारदात के होने के बाद में आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि दोपहर में वो किस प्रकार इस बयान को लेकर जंतर मंतर की सड़कों पर उनके साथ में खड़े होने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में रात में ये घटना उनके साथ में हो जाती है। तो आप इस दोनों घटनाओं को अगर मिलाते हैं, आप इन दोनों घटनाओं को अगर देखते हैं जिस नजरिए से देखेंगे तो आप साफ तौर पर समझ पाएंगे कि इस देश के अंदर में मनुवादी हालात या मनुवादी ताकतें किस तरीके से मजबूत होते जा रही है, सांप्रदायिक माहौल किस तरीके से है, जो भारत को पुरुष प्रधान देश अगर कहा जाता है लेकिन जहां पर पुरुष प्रधान देश होने के बाद अगर महिलाओं के साथ में इतनी बर्बरता हो रही है, महिलाओं के साथ में इतना अत्याचार लगातार अगर बढ़ रहा है तो ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है। भारत अंदर में संविधान है, संविधान चाहता है इस देश के अंदर में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय प्रस्तापित हो, लेकिन इन तमाम संविधान के बावजूद अगर यह संविधान अमल में अगर नहीं आए तो इस प्रकार की जो घटना है लगातार बढ़ती जाएगी। ऐसे में महिलाओं को लेकर जो गंभीर सवाल यहां पर बने हुए हैं कि इनकी सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, अगर इस देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है इस देश का समाज सुरक्षित नहीं होगा। अब इस पूरे घटना से साफ तौर पर समझ पाएंगे कि किस प्रकार महिला आयोग के अध्यक्ष के साथ में अगर ये घटना होती है तो आम महिला के साथ में, आम बेटियों के साथ में अगर किस प्रकार की घटना हो सकती है, जहां पर महिला आयोग के अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है वहां पर आम महिला बेटियां किस प्रकार सुरक्षित होंगी, ये भी गंभीर सवाल बना हुआ है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर, आपके प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैसा ही मायने में इस प्रकार की घटनाओं पर लगाम लगेगा या नहीं लगेगा, या इस प्रकार की घटनाएं लगातार ये बनी रहेगी, क्या सोचते हैं तमाम इस चीजों को लेकर, आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंक के साथ, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।